हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। हाथरस में आरोपियों के पक्ष में महापंचायत, आरोपी परिवार के घर पहुंचा क्षत्रिय महासभा का डेलीगेशन। वकील एपी सिंह ने कहा, नेता मामले पर राजनीति कर रहे हैं, मामला ऑनर किलिंग का है। हाथरस केस को लेकर सीएम योगी का कांग्रेस पर करारा हमला, बोले कुछ लोगों के डीएनए में विभाजन। हाथरस मामले को लेकर पंजाब में लोगों के अंदर गुस्सा, पंजाब के जालंधर और लुधियाना में बंद बुलाया गया, जालंधर के कंपनी बाग चौक में लोगों ने किया प्रदर्शन। एमपी के सीहोर में दलित महिला से गैंगरेप का मामला सामने आया है, मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश में जुटी सीहोर पुलिस, आरोपी फरार। बिहार के कैमूर में अधौरा पुलिस ने कुख्यात नक्सली विकास उराव को किया गिरफ्तार, विकास पर यूपी बिहार के 14 थानों में अलग अलग मामले दर्ज हैं। जम्मू कश्मीर में कुलगाम के चीनीगाम में सुरक्षा बलों से मुठभेड़ में दो आतंकी ढेर, ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर में सेना को मिली बड़ी कामयाबी, सेना ने आतंकियों के डर्टी गेम का किया खुलासा, नदी के रास्ते हथियारों की तस्करी करने की फिराक में थे आतंकी। महाराष्ट्र के पुणे में बेटी ने अपने सौतेले पिता पर लगाया छेड़छाड़ का आरोप, पुलिस ने केस दर्ज कर पिता को हिरासत में लिया। यूपी के शामली में इंसानियत हुई शर्मसार, नाबालिग के साथ पड़ोसी ने किया दुष्कर्म, पीड़ित परिवार ने थाने में दर्ज कराया मुकदमा। यूपी के अलीगढ़ में दर्दनाक हादसा, बेकाबू बस सड़क पर पलटी, हादसे में 3 लोगों की मौत, 24 से ज्यादा लोग घायल, कानपुर से दिल्ली आ रही थी बस। मुंबई के पास भिवंडी में 2 गुटों में मामूली विवाद पर एसिड से हमला, 6 से 7 लोग झुलसे, 3 की हालत नाजुक। बिहार में चुनाव के पहले शराबबंदी की पोल खुली, मुजफ्फरपुर में सेबों के बीच लदी शराब से भरा ट्रक बरामद, 2 शराब तस्कर गिरफ्तार। आंध्र प्रदेश की विशाखापट्टनम में बड़ा हादसा, 1 घर में गैस सिलेंडर फटने से 6 लोग बुरी तरह जख्मी। प्रयागराज में छोटा राजन गिरोह के शार्प शूटर निहाल कुमार उर्फ बच्चा पासी के आशयने पर चलाया बुलडोजर, गैंगस्टर एक्ट के तहत यूपी सरकार की कार्रवाई। हरिद्वार में इंसानियत को शर्मसार करने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, वीडियो में एक महिला 3 साल की बच्ची के साथ बर्बरता करती नजर आ रही है, पुलिस ने लिया संज्ञान। देश में 24 घंटे में कोरोना के 73,000 नए मरीजों की पुष्टि, देश में कोरोना संक्रमण का आंकड़ा 69,79,424 पहुंचा, देश का कोरोना रिकवरी रेट 85 के पार। दिल्ली में कोरोना पर डराने वाली रिपोर्ट, एनसीडीसी की रिपोर्ट के मुताबिक ठंड के मौसम में दिल्ली में एक दिन में 15,000 केस आ सकते हैं। कोरोना पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के स्वास्थ्य और आयुष मंत्रालय को चिट्ठी, आयुर्वेद से ठीक होने के दावों पर उठाए सवाल। सिखों के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल हेमकुंड साहिब के कपाट आज बंद, कोरोना के कारण 1 महीने चली यात्रा, इस सीजन में करीब 6,500 श्रद्धालुओं ने टेका मत्था। सेना के जवानों के लिए योगी सरकार का फैसला, यूपी में क्लास 2 की सभी नौकरियों में भूतपूर्व सैनिकों को 5% का मिलेगा आरक्षण। इसराइल में भीषण गर्मी, गर्म हवाओं के चलते वेस्ट बैंक से सटे इलाके में भड़की आग, करीब 5,000 लोग सुरक्षित जगहों पर भेजे गए। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर होने वाली दूसरी प्रेसिडेंशियल डिबेट रद्द, ट्रंप के इंकार के बाद लिया गया फैसला, 15 अक्टूबर को होने वाली थी डिबेट। अजरबैजान और आर्मेनिया में युद्ध विराम का ऐलान, रूस के विदेश मंत्री ने कराया युद्ध विराम, इसके पहले अजरबैजान के राष्ट्रपति ने दी थी आर्मेनिया को धमकी। लेबनान की राजधानी बैरूत में गैस टैंक फटने से भीषण धमाका, 4 लोग घायल, 1 बच्चे को बचाया गया। अमेरिका में लूरा तूफान ने मचाया आतंक, दक्षिणी अमेरिका के लुधियाना शहर में कई पेड़ गिरे। करौली कांड में पुजारी परिवार का धरना खत्म, सरकार ने मामले में 10 लाख रुपए मुआवजा, घर और एक शख्स को सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया। कल करौली में पुजारी की जलाकर हत्या की थी, मंदिर की जमीन पर कब्जा करने से रोकने पर पेट्रोल डालकर जलाया, 1 आरोपी गिरफ्तार। राजस्थान के करौली में पुजारी की हत्या से साधु संतों में नाराजगी, यूपी के प्रयागराज में साधुओं ने कड़ी कार्रवाई की मांग की। राजस्थान में पुजारी की हत्या से गुस्साए लोगों ने जयपुर में किया विरोध प्रदर्शन, गहलोत सरकार पर भड़के। करौली हत्याकांड को लेकर सीएम गहलोत ने साधी चुप्पी, जयपुर में मीडिया के सवालों से बचते नजर आए सीएम अशोक गहलोत।
करौली कांड को लेकर कांग्रेस विधायक और राजस्थान ब्राह्मण महासभा के प्रदेश अध्यक्ष भंवरलाल शर्मा का अपनी ही सरकार पर हमला, कहा जल्द कार्रवाई नहीं होने पर प्रदेश में ब्राह्मण महासभा करेगी प्रदर्शन। करौली हत्याकांड को लेकर बीजेपी सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने साधा राहुल पर निशाना, बोले पॉलिटिकल पर्यटन के लिए राजस्थान कब आ रहे हैं।